जिस तरीके से तूने रिकॉर्ड करके डाला है ना, ये कौन करता है भैया? यानी क्या क्या कर रहा है? अरे डायनो हाउसर से कैप्टन एमडी बनाएगा मेरे पे कि तू हैकर के साथ खेलता है, फिर डायनो तुझे निकाल दिया। मुझे डालना क्यों? पड़ा ना। अगर तेरे को डालना तो तू ऊपर की चैट दे के डालना ब्रो, जहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है जो मेन रीजन है सबको फिल्टर आउट करने का, वो डालना। तू नीचे की चीजें लिख के मैंने डाल रहा है, लिखा वहां ना, पे तू, मैंने वहां पे पूरा तू लिखा ऐसा। कि डायनो ने क्लियर बोला है, लिखा भाई चैट में, अबे भाई देख तो सही तूने जिस तू। तरीके से लिखा है ना, तू वहां पे ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं सबको निकाल रहा हूँ जानबूझ के, समझ रहा है मेरी बात? तो तू या तो वहां पे ढंग से भाई बता दे, या तो फिर तू पोस्ट डाउन कर दे। और तो हाँ डालना है तो डाल, तू तो सुन स्क्रीनशॉट सुन लेके सुन वहां पे अच्छे से, तू जाके अभी भी देख ले, मेरा मेन रीजन क्या, तू देख ले जाके, तू अभी चैट में जा, वहां मैंने इतना सारा चीजें क्यों लिखी, तो जरा जाके पढ़ ले जरा एक बार अच्छे से, ठीक है? तो अभी मैं बताता हूँ अभी क्या सीन है। अभी इन सब चीजों में एक और लाइनअप वाला सीन हो गया है, ठीक है? तो अभी दो लाइनअप आके मेरे को बोली है जो कि वैलिड है, उनका पॉइंट भी वैलिड है। उसमें क्या हो रहा है कि एक टूर्नामेंट में उन लोग उन्हें को स्लॉट नहीं पार्टिसिपेट मिल रहे। करना है। हाँ नहीं सुन तो, एक टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट करना है जिसमें ऑलरेडी ऋषभ का लाइनअप पार्टिसिपेट कर चुका है, राइट ठीक है? अब जिस लाइनअप को पार्टिसिपेट करना है, वो एक लैन इवेंट छोटा मोटा था 50,000 का, वो जीत के आया। तो अब वो तो डिजर्व करते हैं टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने का, राइट? राइट उनकी तो पूरी, उनका तो पूरा हक है पार्टिसिपेट करने का। लेकिन अब मेन लाइनअप कर चुका है, उनका स्लॉट वहां पे कट गया, तो हाइड्रा से ठीक नहीं है? जा सकते ना, और कोई ऑब्वियस सी बात ना है नहीं जा वो। सकते, नहीं जा हाँ सकते। तो उन्होंने नाम चेंज करके डीमन सोल कर दिया। देखो उन्होंने बोला कि भाई हमको करना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी हर लाइनअप के लिए क्या मैं एक नया ऑर्डर नहीं बना सच सकता है ना, सच है। हाँ है ना? अभी इसमें एक और पॉइंट आता है कि भाई मेरे जगह पे अब अल्फा अपने नाम से एक ऑर्ग बना ले, ऑब्वियसली राइट? अल्फा कर सकता है, लेकिन अल्फा से मेरी बात हुई, अल्फा कहता है कि भाई नहीं कर सकता, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसको भी वो कुछ चीजें देखनी है, वो कुछ और चीजों पे फोकस कर रहा है, हाँ, तो उसने बिकॉज ऑलरेडी एक फाइनेंशियली एक हाँ उसपे भी हाँ लाइबिलिटी आता है उसपे ना। भी बहुत प्रॉब्लम्स है। हाँ तो अपने हाँ मेन रीजन के कारण वो नहीं कर पा रहा है। उसने को बोला कि भाई मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में करूंगा अगर मैं स्टेबल हो गया लाइफ में, तो एग्जैक्टली ठीक है? ठीक तो है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस पे कि भाई चल मैं तो नहीं छोड़ सकता, तेरे को करना ही पड़ेगा, हाँ मैं तो नहीं कर सकता ना ठीक फोर्स को। है तो अब हर लाइनअप के लिए तो मुझे चल कर हर दिया एक एडिट मैंने, देख के हर लाइनअप अब के लिए ठीक है ना। मुझे एक और तो नहीं कर सकता मैं, हाँ है कि ठीक नहीं? है। इसमें तो मतलब ऑब्वियसली ये बात है कि भाई मैं कितने और बना रहा हूँ अपने नाम से, समझ रहा है? ये तो नहीं कर सकता मैं। तो ऑब्वियस रीजन ये कि अब मेन लाइनअप के चक्कर में जिन लोगों ने मेहनत से स्लॉट कमाया, जिन लोगों को मेहनत से एक चांस मिला, वहां पर उनका कट गया बेचारों का, समझ रहा है? जैसे कि एक लाइनअप का भी हुआ। हाँ वो ठीक है तो तेरी, मेन मेरा रीजन ये है कि भाई किसी का भी वहाँ तो स्लॉट ना सारे कटे, लोग हैं। हर किसी को अपना एक मेन स्लॉट मिले खेलने का, एंड हर कोई प्रैक्टिस करे। और दूसरी चीज ये कि अभी टूर्नामेंट में कोई क्लैन से पार्टिसिपेट नहीं करता, लोग क्रू से पार्टिसिपेट करते हैं। मेन है क्रू, आप राइट जब भाई, हम क्रू तो में भाई हो। क्लैन से खेल रहे थे अच्छा रुक आईपीएल जा रुक जा, टूर्नामेंट, हाँ नहीं रुक जा, उसे कंप्लीट सेमीफाइनल करा वाला स्लॉट अपन। मिला था। अबे भाई तू तू एक क्लैन से, मिनट अबे बात तू कंप्लीट करने देगा उसे? तू रुक। क्लैन से नहीं जा सकता मेरे भाई। अच्छा हाँ फिर। अभी अभी लोग, अभी मेन इंपॉर्टेंट क्रू का रह गया है, सब क्रू से जा सकते हो। और मेन पॉइंट ये कि आप एक ऑर्ग से एक लाइनअप ही जा सकता है अभी। आप पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा होता था कि एक ऑर्ग से बाकी लोग जाओ, बस नाम चेंज कर लो। एंड यही रीजन था कि हमने ब्रूटल हाइड्रा बनाई, डेडली हाइड्रा बनाई, और एक हाइड्रा बनाई, और एक हाइड्रा बनाई, राइजिंग ये वो सब राइजिंग हाइड्रा बनाए। बनाई, ठीक है? हाँ ये सब पहले का ये मार्केट चलता था, लेकिन बहुत सारे स्कैम हुए, कुछ और चीजें भी हुई जिसके कारण हुआ कि एक ऑर्ग से एक लाइनअप जा सकती है बस, ठीक है? तो मेरा मेन मोटिव यही है कि भाई आप सबके सब एक क्रू में रहो, अपना एक मेन क्रू में रहो, एक लाइनअप में रहो, और क्रू से पार्टिसिपेट करते रहो। क्लैन बोलने की जरूरत नहीं है, क्लैन बोल के भी जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी एक ना एक लाइनअप होगी, तुम्हारा स्लॉट कटेगा ही कटेगा, ठीक है? या फिर ऐसी जगह नहीं कटेगा जहाँ पे इतना वैल्यू नहीं है। अभी तुम बताओ, तुम T3 वाले खेल के प्रैक्टिस में जाते हो या T1 वाले खेल के प्रैक्टिस में जाते हो? तो ऑलरेडी लाइनअप खेल रही है, तो T3 T2 में प्रैक्टिस करने से बेटर है कि भाई एक क्रू पे रहो, एक क्रू से हर जगह पार्टिसिपेट करो और वही प्रैक्टिस करो, समझ रहे मेरी बात? ये मेन मोटिव है सबको स्ट्रीमर्स का फिल्टर क्या आउट सीन करने है? का। स्ट्रीमर्स को भी लीव करना है क्या? नहीं, स्ट्रीमर्स को नहीं करना, स्ट्रीमर्स तो ई स्पोर्ट्स में है ही नहीं ना ब्रो, उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो तभी तो पूछ रहा हूँ मैं तभी तो हाँ पूछ रहा स्ट्रीमर्स था का मैं। तो कोई मतलब नहीं, स्ट्रीमर्स लोग पार्टिसिपेट क्या कहते हैं, स्ट्रीमर्स तो लोग योर ना पॉइंट ई वाज स्पोर्ट्स फॉर में, द कॉम्पिटिटिव वंस जिनको तुझे साइन अप करना पड़ेगा, तो उनकी बात कर रहा था। हाँ मेरा मेरा पॉइंट ये है कि जो जो मोबाइल प्लेयर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉम्पिटिटिव खेल रहे हैं, और जो सारे कस्टम्स खेल रहे हैं, टूर्नामेंट खेल रहे हैं, मेरा पॉइंट इन सब से रिलेटेड है बस। मेरा पॉइंट हाँ इमिडिएट प्लेयर उस से बिल्कुल नहीं है, जो स्ट्रीम करते हैं, जो टाइम पास के लिए अपना स्ट्रीम खेल रहे हैं या कस्टम खेल रहे हैं, हाइड्रा लाइट्स खेल रहे हैं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं, बिकॉज उनका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। उनका कोई ऐसा रोल नहीं है कि उनको हाँ पीएमसीओ खेलने उनका जाना ऑर्ग से है, मतलब पीएमपीएल नहीं है, खेलने तेरा जाना कह है। रहा है हाँ उनको कोई, हाँ तेरा, उनको हाँ ऑर्ग से मतलब ही नहीं है ना, उनका क्लाइंट वो से लोग मतलब बहुत है, पहले ऑर्ग से से मेरे साथ मतलब है नहीं। और उन लोगों ने बहुत टाइम से इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो अपना अलग ही फील्ड में चल रहे हैं। वो ना तो कभी ई स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, वो ना तो कभी कोई स्टेज परफॉर्मेंस में जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते, बिकॉज उनका जॉनर पूरा सिर्फ यूट्यूब पे बेस्ड है, बस हो गया, राइट उनसे कोई लेन देन नहीं है। मेरा मेन लेन वो देन है अभी लोग जितने किया भी मोबाइल प्लेयर्स है अभी,
वो मेरा भी बता दे डायनो क्या सीन है, डू आई हैव टू लीव? अभी देखो यार, अगर आप अभी लीव नहीं करोगे या अगर आप क्लैन में रहोगे ना, तो फिर वो एक हो जाएगा कि यार इसने हम सबको तो ये अनाउंसमेंट कर ही दिया लेकिन इसने अपने दोस्तों को नहीं किया। सेम क्वेश्चन मेरे को गुरु ने भी किया था, तो ये किसको? पॉइंट आ जाता है पार्शियलिटी का। ये सेम चीज मेरे गुरु ने पूछा था हाँ तो तू कि बता ब्रो देना मेरे को क्यों, क्योंकि मेरा तो यूट्यूब का सीन है भाई, अगर उसके बाद आई हैव टू लीव तो मेरा सीन क्लियर है, आई लीव अभी देखो मेरे को क्या लगता है ना, एटमेन मेरे को ये लगता है कि अभी बिकॉज आप हनी उस हैज स्टेज लेफ्ट पे। एनीवेज, हाँ मैं हनी के पीछे, हनी के हाँ साथ ही आया था, तो मेरा हाँ हनी हाँ के नहीं मेरे को बिना मेरे को रहने का कोई मेरा पॉइंट मेरा उससे कोई लगता नहीं नहीं है, है, मेरा क्योंकि मैं उससे तेरे साथ ही खेलता था या हनी के साथ खेलता था, और किसी के हाँ साथ मैं हाँ नहीं हाइड्रा मेरा में खेलता नहीं उससे, हूँ। हाँ मेरा उससे कोई पॉइंट नहीं है ब्रो। मेरे को अभी को मेरे को भी ये लगता है कि हाइड्रा में आने से पहले आप इतना स्टेबल नहीं थे मेरे ख्याल से हाँ यूट्यूब पे, एग्जैक्टली राइट? अभी आप बहुत स्टेबल हो गए हो, जहाँ तक मेरे को पता है बहुत स्टेबल हो गए हो। हाँ और जहाँ तक ठीक है मुझे पता है कि हमारी पहले ये बात हुई थी कि आप हाइड्रा में आने के बाद, फिर आप स्टेबल होने के बाद, फिर आप एलए में फोकस करोगे, राइट? एग्जैक्टली तो अभी मुझे ये लगता है कि आप उतना स्टेबल हो गए हो, आपको भी हर जगह स्लॉट भी मिलते हैं, लाइट भी खेल रहे हो, सब चीज़ें सही चल रही है, तो मेरे को लगता है कि आप फोकस कर सकते हो वो एलए पे, सब है ठीक है, वो सब ठीक है मेरे लिए। ना? अभी आप एलए पे फोकस कर सकते हो, मेरे को ये लगता है अभी, हाँ ठीक है ठीक है, वो सब ठीक है है, ना? तो और सीन इससे क्या सेट होगा, आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे आपके मेन क्लैन पे, ज़्यादा टाइम दे पाओगे। दूसरी चीज़ ये कि हम किसी के नज़रों में ये नहीं देखेंगे कि हाँ भाई डैनो ने पार्शियलिटी कर दी, है हाँ, ना? ऑब्वियसली पार्शियलिटी बात कर है, रहा है लोगों के समझ साथ आता कि है यार यार। बाकी लोग को सबको बोल दिया निकलने के लिए, फिर इन लोग को नहीं बोला, फिर गुरु को नहीं बोला, फिर हिटमैन को नहीं बोला, बाकी और लोग को नहीं बोला, समझो? हाँ, नो प्रॉब्लम एट ये ऑल। हम किसी से भी अनफेयर नहीं रखना है, हमें किसी से भी अनफेयर टर्म्स नहीं रखने, सब सबसे फेयर टर्म्स रखने हैं, बिकॉज पॉइंट ही लेजिट है ना ब्रो। किसी से तो पर्सनल ग्रजेस ऑब्वियसली नहीं है, यार, किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मैं लोग को बोल रहा हूँ कि भाई निकल जाओ यार। इतने 1.5 साल से क्लैन चला रहे, 2 साल से क्लैन चला रहे, आज तक कभी ये सब चीजें नहीं आई। अब प्रॉब्लम प्लेयर्स को हो रही है, तो मेरे को तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। चलो फिर।